हे गाइस, सो आज के इस वीडियो में आप करेंगे क्लास 12 फिजिक्स रेक्टिफायर। रेक्टिफायर ये हमारी जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट है, टर्म 2 के सिलेबस में आता है ये, ठीक है। उसका एक बहुत ही ज़्यादा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो अगर हम सैम्पल पेपर, मॉडल टेस्ट पेपर या 10 ईयर एग्जामिनेशन के जो पेपर्स हैं, ठीक है, क्वेश्चन पेपर, तो अगर हम उनमें देखते हैं तो रेक्टिफायर क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। ये 5 मार्क्स में भी आ सकते हैं, 3 मार्क्स में भी आ सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा मेन क्वेश्चन है। आप सबको ये बिल्कुल अच्छे से समझ आएगा, सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ आएगा, क्रिस्टल क्लियर होगा, लेकिन तभी जब आप मुझे ध्यान से सुनोगे, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक अच्छे से देखोगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आप सबको ये चीज़ बता दूँ कि हमारी जो आज की वीडियो होने वाली है, इसमें हम सिर्फ रेक्टिफायर ही करेंगे। ये बिल्कुल छोटी वीडियो होने वाली है जिसमें सिर्फ रेक्टिफायर के बारे में ही सारी मेन चीज़ें होंगी, ठीक है। क्योंकि आप सबको पता है, एग्ज़ाम टाइम में हम पूरा पूरा चैप्टर की वीडियो नहीं देख सकते। वन शॉट वीडियो अगर हम बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा 2 घंटे की, 2.5 घंटे की ऐसे चली जाती है। तो इतना टाइम हमारे पास एग्ज़ाम टाइम में नहीं होता, तो जितना जितना हमारे डाउट्स होते हैं, हम सिर्फ उसकी वीडियो देखेंगे तो टाइम भी हमारा सेव होगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखते हुए मैंने ये वीडियो ऐसे बनाई है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। तो सबसे पहले रेक्टिफायर में हमारा एक प्रोसेस होता है रेक्टिफिकेशन। तो रेक्टिफिकेशन क्या होता है? रेक्टिफिकेशन वो प्रोसेस होता है जिसमें जो हमारा एसी करंट है उसको हम डीसी करंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और जो डिवाइस इस प्रोसेस को करवाता है, जो डिवाइस रेक्टिफिकेशन में यूज़ किया जाता है, उसको हम रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जो रेक्टिफायर्स हैं वो एक फैक्ट के ऊपर बेस्ड हैं कि जब जो हमारा आइडियल डायोड है, ठीक है, वो अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में बायस्ड होगा तो वो क्या कंडक्ट करवाएगा, लेकिन अगर वो रिवर्स डायरेक्शन में बायस्ड है तो वो कंडक्ट नहीं करवाएगा, ठीक है। जब जो हमारा एसी सिग्नल है वो डायोड के अक्रॉस हम उसको अप्लाई करेंगे, वो क्या, जब पॉजिटिव हाफ सर्कल होगा तो वो कंडक्ट करवाएगा, लेकिन नेगेटिव हाफ सर्कल में वो डायोड कंडक्ट नहीं करवाता, ठीक है। जो हमारा पीएन जंक्शन डायोड है वो ही रेक्टिफायर में यूज़ किया जाता है 3 वेज में। एक तो हाफ वेव रेक्टिफायर, रेक्टिफायर आगे 3 टाइप्स का होता है, एक तो हाफ वेव, एक फुल वेव, एक होता है हमारा ब्रिज वेव, या हम बोल सकते हैं ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है। लेकिन प्लस टू का जो हमारा सिलेबस है, इसमें हमारे पास सिर्फ 2 टाइप के रेक्टिफायर ही हैं, एक तो है हाफ वेव एंड एक है फुल वेव, ठीक है। तो सबसे पहले हम हाफ वेव करेंगे। हाफ वेव में सबसे पहले हम डायग्राम बना लेते हैं। डायग्राम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपने एग्ज़ाम में, ये जितना मैं आपको बता रही हूँ ये सारा मेन है समझने पर आपका। अगर आप ये अच्छे से समझ लेते हो तो आपको एग्ज़ाम टाइम में क्या, बार बार इसको रीडिंग लेने में ज़रूरत नहीं होगी आपको, ठीक है। इसके सिर्फ डायग्राम अच्छे से आप देखो। पहले तो ये आपका क्या सर्किट डायग्राम है हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, ठीक है। आप बिल्कुल साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। ये ऐसे, ठीक है। अभी यहाँ पर एक लाइन होगी, अभी नेक्स्ट जो आपका ये यहाँ से बनेगा ये थोड़ा छोटा होगा, ये आपका डायोड है। मैं आपको सब बताऊंगी, एक बार आप सिर्फ डायग्राम ड्रॉ कीजिए। ये डायोड डी पी एन डायरेक्शन आपकी जाएगी ऐसे, ये आपका आर एल है, यहाँ पर आपकी आउटपुट निकलेगी, यहाँ पर आपकी आउटपुट है, ये पी है, ये
एस डैश एस, ये पी है, ये पी डैश, ये आपका एसी इनपुट है। ओके, सो यहाँ पर आपके पास ये वाली डायग्राम है, इसमें क्या, ये आपकी हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए सर्किट डायग्राम है। इसमें क्या होता है, आपके पास एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, सर्किट में स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है, एक आपके पास डायोड होगा, ये आपको अगर आपने चैप्टर को अच्छे से पढ़ा हो तो आपको पता होगा कि ये चीज़ डायोड का सिंबल होता है, डायोड का सिंबल आपका ये होता है, यहाँ पर एन टाइप है, ये आपका पी टाइप होता है, ठीक है। तो ये आपका पी एन जंक्शन का डायोड है डी, इसको हमने डी ले लिया। एक आपके पास लोड रेजिस्टेंस होता है जिसको हम आर एल लेते हैं। एक आपके पास प्राइमरी ट्रांसफार्मर होगा जो कि आपका एसी इनपुट के साथ कनेक्टेड होगा, एसी मेंस बोल सकते हैं। एक आपके पास सेकेंडरी होगा, ठीक है, जो आपका ये आपका सेकेंडरी, इसको हमने एस के साथ डिनोट किया, ठीक है। जो आपका सेकेंडरी है वो क्या, लोड रेजिस्टेंस से कनेक्टेड होगा थ्रू डायोड, ठीक है। तो ये क्या, आपकी डायग्राम को मैंने एक्सप्लेन किया, ठीक है। अभी हम देखते हैं कि इसकी वर्किंग कैसे होगी। इसमें क्या होता है कि सबसे पहले तो हम जो हमारा पॉजिटिव है, मींस जो प्राइमरी है और सेकेंडरी, एक बार इनको नेगेटिव लेंगे, एक बार इनको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है। जब आपका जो ये प्राइमरी वाला है, प्राइमरी ट्रांसफॉर्मर है, ठीक है, वो हमें पता है कि एसी मेन में है, एसी मेन से कनेक्टेड है ना। तो इसमें क्या होगा, सपोज जो आपका पी है वो क्या, फर्स्ट हाफ साइकिल में पॉजिटिव है, जो आपका पी है वो फर्स्ट हाफ वेव में क्या है, पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि अगर हमारा पी फर्स्ट हाफ वेव में पॉजिटिव है तो जो पी डैश होगा वो फर्स्ट हाफ वेव में क्या होगा, नेगेटिव, ड्यू टू म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है। अगर ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव होगा, ठीक है। ये किसके कारण होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, कि दोनों का साइन ऑपोजिट होता है, ठीक है। अभी हमारा जो एस डैश है वो पॉजिटिव होगा, आप सिर्फ ये याद रखो, छोटा सा फंडा याद रखो, अगर ये नेगेटिव है तो इसके साथ वाला पॉजिटिव होगा, इसके नीचे वाला भी पॉजिटिव होगा, और ये पॉजिटिव है तो ये खुद से नेगेटिव होगा, आपका एस क्या है, नेगेटिव होगा। अगर हम जंक्शन डायोड अगर हम माने वो फॉरवर्ड बायस्ड है, तो उस केस में क्या करेंगे कि जो हमारा जंक्शन डायोड है ये क्या, यहाँ पर फॉरवर्ड बायस्ड है, तो ये क्या हमें लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है, करंट कैरियर्स को लो रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, ठीक है। अभी जो हमारा करंट फ्लो है, ठीक है, वो कहाँ से फ्लो करेगा, थ्रू लोड रेजिस्टेंस, हमारा जो करंट है लोड रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो करेगा, ठीक है, आर एल से, और वहीं से हमें क्या आउटपुट मिलेगी, ठीक है। अगर हम देखें कि अगर हम इसमें देखें कि हमारा यहाँ पर ये आउटपुट है, ये चीज हमें पता, हमेशा पॉजिटिव तो नेगेटिव जाती है ना, ये पॉजिटिव ऐसे नेगेटिव जाएगी थ्रू लोड रेजिस्टेंस, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारी क्या है, वेव मिल जाएगी, ये आपको ऐसे हाफ वेव मिलेगी। हमने पहले क्या, मैंने आपको बताया था कि अगर तो हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, बायस फॉरवर्ड डायरेक्शन होगा, ठीक है, तो ही वो कंडक्ट करेगा, लेकिन अगर रिवर्स बायस होगा तो वो कंडक्ट नहीं करेगा। तो हमें ये क्या, हाफ वेव मिली है, ठीक है। तो नीचे वाली में क्या होगा, अभी हमने क्या लिया कि नेक्स्ट हाफ साइकिल में क्या होगा कि जो हमारा पी है वो क्या, नेगेटिव हो जाएगा, ये पी सेकेंड टाइम नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो इस टाइम पर क्या होगा कि हमारा ये रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा सिस्टम कैसे चलेगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ये भी किस चीज़ के कारण हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव, म्यूचुअल इंडक्टेंस के कारण, ठीक है। तो ये चीज़ हमें पता लगी। अभी जो हमारा जो डायोड है वो के रिवर्स बायस्ड है, तो हमें क्या, हाई रेजिस्टेंस मिलेगी और बिल्कुल भी करंट फ्लो नहीं करेगा इसमें से, ठीक है। सो हमें कोई आउटपुट भी नहीं मिलेगी, है ना, हमें कोई भी आउटपुट नहीं मिलेगी लोड से। तो ये चीज़ जो हमारा है ये बिल्कुल खाली रहेगा,
यहाँ से तो हमें कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ हमें हाफ वेव मिली, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज हम अप्लाई कर रहे हैं प्राइमरी ट्रांसफार्मर के ऊपर, तो वो हमें क्या दिख रहा है कि जो हमारा हमें सिर्फ हाफ मिल रही है ना, हमें ये सिर्फ हाफ मिल रहा है, दूसरा हमें नहीं मिल रहा। तो अगर हम यहाँ पर देखें कि जो हमारी वोल्टेज है आउटपुट के ऊपर, वो हमें सिर्फ हाफ वेव में ही दिखाई दे रही है, जब हम जो इनपुट साइकिल है वहाँ पर दे रहे हैं, तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हाफ वेव रेक्टिफिकेशन प्रोसेस की बात हुई है। अगर हम इसी हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें, रेक्टिफायर हमारा कौन सा, हाफ वेव रेक्टिफायर होगा, ठीक है। तो जो हमारी इनपुट होगी वो कैसे होगी, हमने इसको शो करना है कि सेकेंडरी एस डैश और एस के ऊपर हमारी इनपुट वोल्टेज कैसी थी, वोल्टेज तो हमारी बिल्कुल ऐसे सही जा रही थी, बट जो हमें आउटपुट मिली है ये क्या थी, इनपुट वोल्टेज, ये हमारी आउटपुट वोल्टेज है। हमें पता फॉरवर्ड में हमें ये कंडक्ट करवाएगा, ठीक है, तो फॉरवर्ड में तो हमारी हाफ वेव बन गई, ये सेकेंड नहीं बनेगी, ये यहाँ फिर से हाफ बन जाएगी, ये नहीं बनेगी, ये फिर से बन जाएगी, ये नहीं बनेगी, ठीक है। तो ऐसे ये हमारा विद रिस्पेक्ट टू यहाँ पर ये तो टाइम होगा, ठीक है, ये हमें पता है ये इनपुट है ये आउटपुट है, ठीक है। तो यही थी आपकी डायग्राम हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए, आपको अच्छे से समझ आया ना इस ये। अभी हम क्या करेंगे, हम करेंगे फुल वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमारे पास वैसे तो बिल्कुल सेम सी डायग्राम होती है, सिर्फ यहाँ पर हमारे पास दो डायोड होते हैं, लेकिन अगर हम हाफ वेव में देखें हमारे पास सिर्फ एक डायोड होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी डायग्राम बना लेते हैं, मैं पेज चेंज कर लेती हूँ क्योंकि इसके लिए हमें फिर से एक फुल पेज चाहिए, ठीक है, तो हम पेज फोल्ड कर लेते हैं। तो अभी हमने करना है फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। तो फुल वेव रेक्टिफायर में हमारे पास एक सर्किट डायग्राम होगी, ठीक है, जिसमें फिर से स्टेप डाउन सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर होगा। पहले डायग्राम बना लीजिए आप, उसके बाद हम बाकी करते हैं। आपके पास ये डायग्राम है, ये बिल्कुल सीधा जाएगा, ऐसे किया, डायग्राम 70% तो बिल्कुल सेम ही है, फिर से आपका यहाँ पर लाइन लगी। अगर अभी तो मैं इसको ना पेन से बना रही हूँ क्योंकि मैंने आपको समझाना है, ठीक है, लेकिन जब आप एग्ज़ाम्स में करोगे तो आपने इसको पेंसिल से बनाना है, लाइंस बिल्कुल स्केल से स्ट्रेट बनानी है, क्योंकि डायग्राम के भी आपको मार्क्स मिलते हैं, आपके डायग्राम बिल्कुल सही होने चाहिए। एक आपके लिए एरोज़ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये आपके पास डायोड्स आ गए, यहाँ से ये ऐसे आएगा, ये चीज मैं आपको बताऊंगी ये कैसे कैसे है, ठीक है, बिल्कुल इजी है, आपको बस अच्छे से समझ आना चाहिए, कोई इसमें डिफिकल्टी वाली बात होती नहीं है। ये आपका एसी इनपुट, ये हम बोल सकते हैं एसी मेंस, एरोस ऐसे, ये आपका D1 है, ये आपका D2 है, ये आपकी आउटपुट है। ये आपके पास के सर्किट डायग्राम है फुल वेव रेक्टिफायर की, ठीक है, इसमें आपके पास एक स्टेप डाउन सेंट्रल टैप्ड ट्रांसफार्मर होता है, इसमें आपके पास दो डायोड्स यूज होते हैं, हाफ वे में
एक डायोड था, अब इसमें दो डायोड है, ठीक है, डी वन डी टू। इसमें आपके पास एक आर एल लोड रेजिस्टेंस होगा, आर एल लोड रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपके पास सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर के दो एंड्स हैं, ठीक है, इसमें आपके पास दो एंड्स हैं, ओके, जो कि कनेक्टेड है पी रीजन से, ठीक है, दोनों डायोड के, एंड एंड रीजन दोनों डायोड के कनेक्टेड किससे, सेंट्रल सेंटर ऑफ सेकेंडरी ट्रांसफॉर्मर, किसके थ्रू, लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, ठीक है। आपको डायग्राम में दिख ही रही है ये चीज़ कि हमारा जो पी रीजन है, जो हमारा पी रीजन है, ये दोनों डायोड्स का एक दूसरे से कनेक्टेड है सेकेंडरी डायोड से, ठीक है, और जो हमारा नेगेटिव वाला है ये एक दूसरे से किससे, एक दूसरे से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू, दोनों डायोड का एंड रीजन एक दूसरे के से लोड रेजिस्टेंस के थ्रू कनेक्टेड है, ठीक है। तो अभी आपके पास यहाँ पर वर्किंग कैसे है, वर्किंग क्या है इसकी, कि जो हमारा फर्स्ट हाफ साइकिल होगा इनपुट सिग्नल से, जो हमारा मीन्स यहाँ पर होगा एस एंड एस डैश पर, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जो हमारा अपर जंक्शन है पी एन जंक्शन मीन्स डायोड वन, तो वो क्या फॉरवर्ड बायस्ड है, एंड लोअर पी एन जो जंक्शन डी टू है ये क्या रिवर्स बायस्ड है। फर्स्ट हाफ वेव में आपके पास क्या होगा, फर्स्ट हाफ वेव में आपके पास जो अपर डायोड है या जिसको हम डी वन बोल रहे हैं, वो डायोड के फॉरवर्ड बायस्ड, एंड डी टू आपके पास क्या है रिवर्स बायस्ड, ठीक है। तो जो डी वन है, जो डी वन है ये हमें क्या ऑफर करते हैं, लो रेजिस्टेंस, किसको, करंट कैरियर्स को। जो अपर डायोड है ये करंट कैरियर्स को लो रेजिस्टेंस ऑफर करता है, और जो हमारा डी टू है ये क्या करता है, ये जो हमारा करंट कैरियर्स है उनको हाई रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है, ऑफर करता है, ठीक है। डी टू हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, ठीक है, करंट कैरियर्स को, इतना आपने याद रखना है, ठीक है। जो फॉरवर्ड करंट है वो डी वन में फ्लो करेगा किसके पास, ड्यू टू, कैसे कैसे करेगा, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। जो डी वन है, ठीक है, इसमें क्या है कि जो हमारा फॉरवर्ड करंट कैसे फ्लो करेगा, ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स, ठीक है, मेजॉरिटी कैरियर्स के कारण। अभी तो इसमें हमारे पास कैसी आएगी, हमारे पास इसमें आउटपुट का देख रहे हैं ऐसे बन गई, ठीक है। अभी हमारे पास इसमें क्या होगा, इनपुट तो हमने ऐसे ही की दी है, ठीक है, ये हमारा इनपुट है, और अगर आउटपुट देखें हम तो आउटपुट में ये हमारे पास ऐसे बना, ठीक है। आउटपुट अगर हम सारी देखें तो हमारे पास आउटपुट ऐसी बनेगी, पहले में तो हमारे पास गैप आ रहा था ना, यहाँ पर भी गैप था, नीचे भी गैप था, ऐसे ऐसे बन रहा था, एक छोड़ा फिर यहाँ बन गया, यहाँ बन गया, है ना, लेकिन ये बिल्कुल स्ट्रेट चलेगा। अगर हम सेकंड हाफ साइकिल को देखें, अभी तो हमारा सिर्फ फर्स्ट बना है, अगर हम सेकंड हाफ साइकिल को देखें इनपुट एसी के लिए, तो जो हमारा सिग्नल है डी वन क्या होगा, अभी डी वन क्या था, डी वन हमारा क्या था, फॉरवर्ड बायस, डी टू रिवर्स बायस, लेकिन सेकंड हाफ में हमारे पास क्या होगा, डी वन रिवर्स हो जाएगा, डी टू फॉरवर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हमारा जो रिवर्स बायस्ड हो गया, जब हमारा डी वन रिवर्स बायस हो गया, तो उसको क्या मिल रहा है, रिवर्स बायस हो गया, दूसरा हमारा जो डी टू है वो फॉरवर्ड बायस हो गया, तो जो करंट फ्लो है वो कहाँ से होगा, थ्रू डी टू डायोड, ठीक है, क्यों, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डी टू में है, है ना, क्योंकि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स डी टू में है। तो यहाँ पर क्या है, जब हमारा मतलब दोनों हाफ साइकल्स, ठीक है,
मीन्स इसमें हमें इतना तो पता चल गया कि जब डी करंट क्या है हमारा फॉरवर्ड फ्लो डी वन में कर रहा था पहले ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, लेकिन अभी हमारा डी टू में करेगा सेकेंड हाफ में, ठीक है। अभी क्या है कि जब हमारे पास जो दोनों क्या कहते हैं हाफ साइकल्स हैं, तो करंट जो फ्लो कर रहा है वो किसके थ्रू करेगा, आरएल से जो हमारे पास लोड रेजिस्टेंस था, ठीक है, सेम डायरेक्शन में करेगा, ठीक है। सो इससे हमें क्या मिलता है, पल्सेटिंग डीसी वोल्टेज मिलती है किसके अक्रॉस, आरएल के अक्रॉस, ठीक है। तो वहां से हमारे पास क्या हुआ कि जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज है वो हमें मिलती है दोनों हाफ वेव्स के लिए, ठीक है, जिसके लिए हमने इनपुट एसी सिग्नल भेजा था। तो इसी प्रोसेस को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। मीन्स यहाँ पर हमारे पास तो पहले तो ऐसे ऐसे डायग्राम आ रही थी, है ना, बट यहाँ पर हमें ऐसे मिल रही है डायग्राम, ठीक है। ये क्या हो गया कि हमें जो आउटपुट वोल्टेज है वो दोनों हाफ साइकिल के लिए मिल रही है, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम फुल वेव रेक्टिफिकेशन बोलते हैं, और अरेंजमेंट जो हम यूज़ करते हैं उसको फुल वेव रेक्टिफायर बोलते हैं, ठीक है। अभी जो हमारा इनपुट एंड आउटपुट वेव फॉर्म हुई है फुल वेव रेक्टिफायर में, ठीक है, तो वो क्या होगी, ये वाली होगी। फुल वेव रेक्टिफायर क्या होते हैं, ज़्यादा एफिशिएंट सर्किट होते हैं जिससे हमें क्या है जो रेक्टिफाइड वोल्टेज या रेक्टिफाइड करंट मिलता है, ठीक है। ज़्यादातर हम यूज़ करते हैं फुल वेव रेक्टिफायर क्योंकि इसमें हमें एक अच्छी मिलती है क्या कहते हैं अच्छी अच्छा करंट मिलता है, ठीक है। तो जो हमारा इसमें क्या होता है कि सिंस जो हमारी आउटपुट होती है वो क्या है पल्सेटिंग होती है एंड यूनिडायरेक्शनल होती है, एक ही डायरेक्शन में होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है रिपल्स होता है, ठीक है, इसमें हमारे पास रिपल होता है। रिपल मैं आगे बताऊंगी क्या चीज़ होती है, ठीक है। मीन्स रिपल मीन्स एसी एंड डीसी कंपोनेंट होते हैं इसमें, ठीक है। तो एक प्योर डीसी बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, एक फिल्टर सर्किट चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसमें सिर्फ एक मीन्स कैपेसिटर होते हैं जो कि सी होते हैं, ठीक है। अभी क्या है जिससे हम क्या कर सकते हैं, उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, मीन्स जो हमारे एसी कंपोनेंट है उसको फिल्टर आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं फिर से बता देती हूँ कि हमारी जो आउटपुट है वो क्या है, पल्सेटिंग है एंड यूनिडायरेक्शनल है। तो उसमें क्या होगा, एसी और डीसी कंपोनेंट्स होंगे, तो एक प्योर डीसी बनाने के लिए हमें एक फिल्टर सर्किट चाहिए होते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक कैपेसिटर हो, ठीक है, जो क्या कर सके, फिल्टर आउट कर सके एसी कंपोनेंट को, ठीक है। जो हमारे पास सी है वो क्या हमें एक हाई वैल्यू प्रोवाइड करता है लो इम्पेडेंस की, ठीक है, जो हमारे पास पाथ है एसी करंट तक जाने के लिए, एसी तक जाने के लिए, बट वो हमें इनफाइनाइट इम्पेडेंस देता है डीसी करंट तक, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, जो एसी है वो के बाईपास जो होता है मीन्स फिल्टर्ड होता है थ्रू सी से मीन्स कैपेसिटेंस से, और ओनली जो हमारे पास डीसी कंपोनेंट है वो लोड में दिखता है, वहाँ पर रह जाता है, ठीक है। तो आउटपुट वोल्टेज जो हमारे पास आएगी, ठीक है, रेक्टिफायर की, वो क्या है कैपेसिटर इनपुट फिल्टर से आएगी, ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी डायग्राम बनती है, जो हम फिल्टर वाले की बात कर रहे हैं, इससे और ज़्यादा थोड़ी सी एक्यूरेट सी बन जाती है। उसमें हमारे पास ऐसे ऐसे एक लाइन ड्रॉ होके आती है, ठीक है। तो यही हमारे पास, ये चीज़ हमने बतानी है कि जो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर है ये ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि इसमें हमारे पास यूनिडायरेक्शनल और एक स्ट्रेट लाइन मिलती है, ठीक है, एक स्ट्रेट पाथ भी मिलता है, ठीक है। तो रिपल फैक्टर जो रेक्टिफायर का है, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं कि ये किसकी रेशियो है, ये किसकी रेशियो है वैल्यू ऑफ एसी कंपोनेंट टू द वैल्यू ऑफ डीसी कंपोनेंट, एसी टू डीसी, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अगर हम हाफ वेव रेक्टिफायर की बात करें तो हमारा रिपल फैक्टर कितना होगा, हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए हमारा रिपल फैक्टर हमेशा 1.21 होता है एंड फुल वेव के लिए हमारा 0.48 होता है,
ठीक है, अगर हम रेक्टिफायर की एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी का साइन ये होता है इटा, ठीक है, तो ये क्या होता है आउटपुट, ये रेशियो होती है आउटपुट ऑफ एसी पार टू इनपुट एसी पार इनटू 100%। ठीक है, तो अगर हम एफिशिएंसी की बात करें, एफिशिएंसी हाफ वेव के लिए हमारी 40.6% होती है एंड फुल वेव के लिए हमारी 81.2% होती है। ठीक है, इसीलिए हम फुल वेव को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, यही यूज़ करते हैं, क्योंकि फुल वेव की एफिशिएंसी 81.2% होती है एंड उसकी जो रिपल फैक्टर होता है वो 0.48 होता है। ठीक है, सो यही था आपका रेक्टिफायर एंड इसमें ये बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल चीज़ है, आपको एग्ज़ाम में ये 5 मार्क्स में 3 मार्क्स में आ सकता है, होता है इसमें कुछ भी नहीं, आपने सिर्फ डायग्राम बनानी है, डायग्राम से देख के आप बता सकते हो, आपके पास स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, आपका पी में पहले तो आप पॉजिटिव लगाओगे फिर आप उसको नेगेटिव कर दोगे, साइन तो आपको पता चल गया, अगर पॉजिटिव है तो ऊपर वाली साइड नेगेटिव होगी और उसके साथ वाली साइड भी नेगेटिव होगी, है ना, ये डायोड होता है, ऐसे आपकी जाएगी पॉजिटिव तो नेगेटिव जाता है हमेशा करंट, तो ऐसे ऐसे ये फर्स्ट टाइम हमारा ये फॉरवर्ड बायस होगा, सेकेंड टाइम हमारा रिवर्स बायस होगा, तो बिल्कुल उल्टा है ये, बिल्कुल चीज़ें बिल्कुल बहुत ज़्यादा सिंपल है, आपने इसमें कुछ नहीं करना होता, सिर्फ डायग्राम को देख के आपने पहले तो ये लिख देना कि हमारा ये रेक्ट फुल हाफ वेव या फुल वेव में हमारी जो सर्किट डायग्राम है वो कैसी है, एंड उसके बाद आपने क्या करना है, आपने उसकी वर्किंग के बारे में बता देना कि हाँ फर्स्ट हाफ वेव में हमारे पास ऐसे हो जाएगा, सेकेंड हाफ वेव में ऐसे हो जाएगा। ठीक है, तो यही आपका क्या है रेक्टिफायर। ठीक है, आई होप आपको ये सारा समझ आ गया होगा एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना मेरे चैनल को, एंड अगर आपके कोई भी रिलेटिव्स हैं या कोई भी आपके नज़दीक में बच्चे आपके क्लासमेट्स हैं क्लास फेलोज हैं तो अगर उन्हें उनको पढ़ाई में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप उनको मेरे चैनल का लिंक दे सकते हैं, उस वो आपको मिल जाएगा, वो आप उस उनको शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी स्टडीज़ में हेल्प हो सके। सो थैंक्स एंड हैव नाइस डे।